अच्छा, जो हमारे इन्वर्टर DF का फ्रंट कंट्रोल पैनल आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर ये टेम्परेचर नॉब है जिसके ऊपर आपको मैक्सिमम, ठीक है, और ये फिर इसके अकॉर्डिंग ही जो मिनिमम और ऑफ कंडीशन ये बताता है यहाँ पर। इसके साथ आपको जो है वो पावर की लाइट, जब आप इसको ऑन करते हो पावर की लाइट जो कि ग्रीन कलर है यहाँ पर इंडिकेट हो रही हुई, कूल की लाइट रेड कलर में है यहाँ पर, और फास्ट कूल इसके अंदर एक आपको जो है वो बटन दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने, आप चाहते हैं कि जी आपने इसके अंदर सामान ज़्यादा रखा हुआ है, ठीक है, उसका कंप्रेसर बंद ना हो, तो आप इसको फास्ट कूल का स्विच जो है वो प्रेस करेंगे तो ये बेसिकली जो आपका कंप्रेसर है वो थर्मोस्टेट से बाईपास होकर डायरेक्ट कंप्रेसर को फंक्शन करेगा। जब आप स्विच करते हैं तो अभी मैंने इसको फास्ट कूल पे किया तो ये आपकी लाइट जो है वो फास्ट कूल की ऑन हो गई, ठीक है। तो ये फंक्शन उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी बेनिफिट ये देता है आपको कि अगर आपने कंटिन्यूसली जो है वो डिफ्यूज़र को फंक्शन करवाना है तो आप इसको फास्ट कूल के ज़रिए करवा सकते हैं, जिसमें थर्मोस्टेट से इसको बाईपास करके डायरेक्ट कंप्रेसर जो है आपका वो ऑन कर देते हैं।